ओम नमः शिवाय। दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर यहाँ क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। दुर्लभ सामग्री के असली ग्रुप में शामिल होने के लिए हमें 9896153833 पर अपना नाम और अपनी फ़ोटो भेजें। साथ ही नकल से सावधान रहें। दुर्लभ सामग्री के नाम से बहुत सारे चैनल और बहुत सारे ग्रुप खोल दिए गए हैं, जैसे कि दुर्लभ उपाय इत्यादि। तो उन सब फर्जी ग्रुपों से आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और केवल असली दुर्लभ सामग्री के ग्रुप में शामिल होइए। ओम नमः शिवाय। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग जीवन को एक कदम आगे से जीना चाहते हैं, जो लोग हिम्मत वाले हैं, जो डर का सामना आसानी से करते हैं, जो दुनिया को दूसरी नज़र से देखते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो साधारण लोगों के लिए नहीं है। यदि आपका दिल कमज़ोर है, किसी तरह की आपको बीमारी है या आप पेशेंट हैं, तो इस वीडियो को ना देखें और ना सुने। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप संपर्क साध सकते हैं उनसे जो इस दुनिया में नहीं है। आप उनसे संपर्क साध सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। और यदि आप इसमें एक कदम आगे हैं तो आप उनसे अपना मनचाहा काम भी करवा सकते हैं, और बहुत से लोग ऐसा काम करवाते भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ आत्माओं की। यदि आप चाहते हैं कि आप भी आत्माओं से संपर्क साधें, उनसे बात करें, वो कैसे आपसे बात करेंगी, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रह जाएं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहेगी, इसलिए बेल आइकन को यानी कि घंटी को ज़रूर दबाएं। मैं आपको कुछ बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि ये कोई मजाक नहीं है, इसको मजाक में ना लिया जाए, क्योंकि ये बात बहुत गंभीर तौर पर देखी गई है। ये वैसी ही बातें हैं जैसे परियों की कहानी होती है। जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने इसे महसूस किया है, देखा है अपनी आंखों के सामने, वो इसे मानता है, और जिसे नहीं देखा वो इसे सिर्फ अंधविश्वास मात्र समझता है। मैं ये नहीं कहता कि आप इस पे विश्वास करें, लेकिन अगर आप इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं, आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे पूरा ज़रूर देखिए और उससे पहले किसी गुरु के सानिध्य में ज़रूर रहिए, ताकि आपको यदि किसी समस्या में आप फंस जाएं किसी भी कारणवश, तो आपके गुरु आपको वहाँ से बलपूर्वक वापस ला सके। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आत्माओं से बात करना संभव नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संभव है। हम बात कर सकते हैं और वो भी हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बीच में जो अवरोध है हमें उसे हटाना पड़ता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी तकनीक है जिनके ज़रिए आप उनसे बात कर सकते हैं, और सबसे खुशी की बात तो ये है कि वो बहुत ही सरल और सहज है। यदि आपके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन है तो आप उसके ज़रिए भी उनसे संपर्क साध सकते हैं और वो भी आपसे संपर्क साधेंगे। इसमें आपको कुछ भी खरीदना नहीं है और इसमें आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। बस ज़रूरत है तो सही समय पे सही सामान के साथ आप जाएं और आपका काम बन जाएगा। बस आपको सही तरीके से चीज़ें करनी होंगी। और इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपकी बात करवाना चाहता हूँ एक साध्वी से, जिनका एक बार फिर से काम हो गया और वो बहुत खुश हैं। तो मैं चाहता हूँ पहले आप उनकी बात सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे आत्माओं से संपर्क साधा जाता है। तो इस साधिका की कहानी इसी की जुबानी। मेरा नाम डिंपल है। अच्छा, क्या समस्या थी आपकी?
हाँ, मेरी समस्या थी कि मेरी जो दीदी है उसकी बच्ची प्रेग्नेंट थी, मेरी बहन की लड़की। तो उसके लिए मैंने जो आपका भोज पत्र वाला जो श्री क्लीन का जो लिखने का था, वो मैंने उसे उपाय दिखाया था और बोला था कि जो भी विश हो बोल देना। तो वो मेरी विश पूरी हो गई, मेरी और मेरी दी की, कि मेरी दी को दीदी की दी बच्ची को बच्चा हुआ है। तो वो भी बहुत खुश है और मेरी जो बहन की लड़की है वो भी बहुत खुश है, क्योंकि उसके घर में कोई बच्चा ही नहीं था। और आगे भी हुई तो पहले लड़की हुई थी, जिसकी वजह से उसके सास लोग थोड़े अपसेट थे। इन दूसरे टाइम पे मैंने आपका ये वीडियो देखा तो उसे ये सही हो गया और सब बहुत खुश है। और दूसरा उपाय मैंने मेरे लिए किया था, जो मैं जिसे बहुत प्यार करती हूँ। और आपका जो भोज पत्र वाला जो किया था, धागा बांध के फिर दयात में बांधने का था, वो भी मैंने किया था और वो भी काम हो गया है मेरा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ गुरु जी, हाँ बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं बना, हमारा काम नहीं बना, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात गलत है। हम अगर सच्चे दिल से, अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस हमारी भावना, हमारा दिल साफ होना चाहिए और हमें ये विश्वास रहना चाहिए कि नहीं, ये हमारा काम होगा ही, क्योंकि भगवान है तो वो ऑब्वियसली हमें देखते हैं और वो हमारे बच्चों के लिए करते ही है। अगर हम गलत नहीं है तो वो हमारी हेल्प करते ही है। और मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि नहीं, सारे मंत्र है जो काम होते हैं, बस हमारा दिल साफ होना चाहिए। हमें वो भरोसा है कि नहीं, हमारे ये काम होगा ही। तो 100-110% हमारा काम होता ही है और हम मेरा तो हो गया गुरु जी। कितने दिन में आपका काम हो गया? मेरा काम तो मेरा जो पर्सनल काम था वो हफ्ते में ही हो गया था। और मेरी दी को उन्होंने तारीख दी थी इस महीने की, तो उसका भी काम हो गया। मतलब कि समझो ना कि 20 दिन हुए होंगे मैंने मेरी दी को ये बोला था। तो आपने कौन सा उपाय किया था और कैसे किया था, ये भी जरा बता दीजिए। हाँ, जो भोज पत्र पे क्लीम लिखने के बाद बोली थी निवेश, वो उपाय मैंने मेरी दी को बताया था और उसे उसका काम हो गया। और दूसरा उपाय जो मेरे लिए, वो राधा कृष्ण की मूर्ति को रख के दिए जलाने की, कपूर जलाने की, फिर उसके जो धागा लेके बांधने का था, वो उपाय मैंने किया था। और आपने बोला था कि ये उपाय कोई नहीं तोड़ सकता, जी, वही उपाय मैंने किया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके सारे काम हो गए। तो हाँ, मेरे सारे काम हो गए हैं। अच्छा, आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं दुर्लभ सामग्री के? हाँ हाँ, मैं रेगुलर, अभी भी मैंने आपका एक वीडियो देखा था हकमल का। जी, हक अजमल। हाँ, अजमल, बस मैं वही देख रही थी। और मैंने बहुत बार ट्राई किए लेकिन फोन ही नहीं लगता था, फिर आज लिखा और मैंने ये सब मैंने आपको बताया। मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी। तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी बहुत खुशी मिलती है आपसे बात करके। हाँ गुरु जी, अब मैं मेरी बात कर सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हो। हाँ ओके गुरु जी, मैंने पर्सनली अब मैं बात कर सकती हूँ ना? हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हो। हाँ गुरु जी, मैंने जो ये उपाय किया था ना, जो आपने भोज पत्र पे स्वास्तिक का चित्र चिन्ह बना के जो हाथ में, ऐसे लाखों हजारों लोगों के काम रोजाना बनते हैं जो हमसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं पारस पत्थर यदि किसी भी धातु को स्पर्श मात्र करे तो वो भी सोना हो जाता है। पारस यानी कि पा जमा रस, जिसने उस परम पिता परमात्मा का रस पा लिया, उस आत्मा के संपर्क में जो भी आता है, जो भी आत्मा आएगी, वो सोने के समान तुल्य हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप संपर्क साध सकते हैं, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी होगी। इसका जो भी परिणाम होगा वह आप स्वयं भुगतेंगे, क्योंकि हर कोई सही तरीके से हर चीज़ नहीं कर सकता। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है मोबाइल में, जिसका नाम है इको वॉक्स। पेड वर्जन है, आपको वो लेना होगा और उसको डाउनलोड कर लीजिए।
और उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन को प्ले करना है, चलाना है ब्लूटूथ स्पीकर में कनेक्ट करने के बाद, क्योंकि जो भी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी वो आपके मोबाइल के द्वारा आपको अपने ब्लूटूथ स्पीकर में सुनाई देंगी। और आप उस जगह पे पहुंच जाइए जहां पर आपको शक है या जहां पे आपको उम्मीद है कि यहां पर कुछ हो सकता है, और उसके बाद आप उसको चलाना शुरू कर दीजिए। यदि आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता कि इसको कैसे चलाना है, तो फिर आप उसके लिए YouTube का सहारा ले सकते हैं। वहाँ से आपको पता चलेगा कि इको वॉक्स जो ऐप है उसको कैसे चलाना है। आप में से बहुत से लोग गौरव चौधरी के नाम से वाकिफ होंगे, अगर नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे जो कि भूत प्रेतों से इत्यादि इन चीज़ों से वास्ता रखते थे। हालांकि वो पेशे से एक पायलट थे, लेकिन वो किसी कारणवश इस पेशे में आ गए और वो भी इसी ऐप का यूज़ करते थे, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते थे। तो मैं चाहता हूँ आप ये करिए और देखिए क्या आपको किसी से, किसी ने आपसे संपर्क साधा या आपका संपर्क साधने का जो काम था वो सफल हुआ। इस विषय पे मुझे रिप्लाई ज़रूर करिएगा ताकि मैं इस विषय पे और आपको वीडियो बना के दे सकूँ। ये विषय थोड़ा हटके था, मैं चाहता हूँ आप सभी की राय कि आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, अपने जो आपके मन में जो आपके भाव हैं वो आप लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय।